हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें से एक शौच मुक्त भारत भी है, जिसके लिए देश भर में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रदेश में अधिकतर जगहों पर ये शौचालय सिर्फ नाम के लिए ही साबित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तो शौचालयों में फैली असुविधा की वजह से सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। जी हां, कैथल, कुरुक्षेत्र, झज्जर और नारनौल में जब सार्वजनिक शौचालयों की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम निकली तो तस्वीरें सबको चौंका देने वाली दिखाई दी। तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग जगहों की। देखिए किस तरीके से ये जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो गंदगी के ढेर में फैले पड़े हुए हैं। लोग वहां पर जाना तो दूर, देखना भी लोगों के लिए इतना ज्यादा कठिन है, इतना ज्यादा मुश्किल है। ये उस प्रदेश के वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट की तस्वीरें हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान इतने बड़े पैमाने पर इतने सालों से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने अगर देश में किसी बड़े अभियान की शुरुआत की थी तो वो स्वच्छता अभियान ही था, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि टॉयलेट्स बनाए गए हैं लाखों देश में। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े योजनाएं लाई जा रही हैं। लेकिन ये जो वॉशरूम्स, ये जो टॉयलेट्स बनाए गए, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए लोगों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए, वो कैसे बदहाली का शिकार हो रहे हैं, इसका रियलिटी चेक हरियाणा न्यूज की टीम ने जब किया तो वाकई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। नारनौल, कुरुक्षेत्र, कैथल और झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों के टॉयलेट्स और सबकी बदहाली चीख चीख कर यही कह रही है कि आखिर किस स्वच्छता अभियान की बात करती हैं सरकारें। असलियत ये है, जमीनी हकीकत ये है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगियों ने जब सार्वजनिक शौचालयों का रियलिटी चेक किया तो ज्यादातर शौचालय खस्ता हाल नजर आए। सरकार की ओर से बनवाए गए कई शौचालयों पर तो ताला लटका मिला। जो शौचालय इस्तेमाल में लाए भी जा रहे हैं उनमें भी सुविधाओं की भारी कमी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैथल में मौजूद सार्वजनिक शौचालय कैसे बुरी हालत नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि पूरा भारत स्वच्छ हो और खुले में शौच से मुक्त हो। अभियान तेजी से चला, बहुत खर्चा आया, केंद्र सरकार ने खूब पैसा भेजा, परंतु स्थानीय लेवल पे, नीचे के लेवल पे, धरातल पे जहाँ ये काम होना था वहाँ ये सारा पैसा व्यर्थ हो गया। कैथल के आज हमने सार्वजनिक शौचालयों का दौरा किया, एक भी शौचालय ऐसा नहीं था जो चालू हालत में हो, साफ सुथरा हो, उसमें पानी की व्यवस्था हो। पूरे शौचालय गंदगी से अटे पड़े हैं। यहाँ तक कि अब ये शौचालय लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इन शौचालयों के आसपास से निकलना भी मुश्किल है। सरकार को देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपने को पूरा करना है और आम आदमी को रोगों से बचाना है या नहीं। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। तो चलिए अब आपको धर्मनगरी कुरुक्षेत्र लेकर चलते हैं और कुरुक्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय कितने साफ हैं इसका जरा रियलिटी चेक दिखाते हैं। देखिए हरियाणा न्यूज की टीम जो है आज वो पहुंची है कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में, जहां अभी देखिए धान का जो सीजन है वो आने वाला है और इस मंडी के अंदर अभी किसान भी आएंगे और मजदूर भी आएंगे। और अगर बात करें मंडी के अंदर की व्यवस्थाओं की तो बेशक मंडी का जो प्रशासन है वो व्यवस्थाओं की बात कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कर रहा है। देखिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने घर घर में शौचालय बनाया है तो उस तरह से बाहर से जो लोग आए हैं उन्हें बाहर का पता नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ पर है। शौचालय की व्यवस्था जो है उन्हें मंडी के अंदर उनके लिए करनी थी। मैं आपको साफ दिखाना चाहूँगा कि ये सुरभ शौचालय जो है मंडी के कॉर्नर में बना हुआ है और अगर इसके अंदर के हालात की बात करें तो अंदर की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो अभी रात का समय है और देखिए यहाँ पे लाइट का जो मीटर लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि उसकी तारें जो है वो भी कटी हुई है। और अगर बात करें पानी की मोटर की तो मोटर जो है वो
भी यहाँ पर खराब पड़ी हुई है। और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं रोड की बात करें तो हालात काफी खराब है। और देखिए जो स्थानीय यहाँ लोग हैं या जो मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए हैं उन लोगों से भी हमारी बात हुई है, वो लोग खुद कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे शौचालय को वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर उन लोगों की मजबूरी है कि वो लोग जो है इस शौचालय को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर देखिए किस तरह से बड़े बड़े दावे जो है प्रशासन कर रहा है और मजदूरों को जो है सुविधाएं मुहैया कराने की बात कर रहा है, और एक तरफ पूरा प्रदेश जो है पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो उसके बीच में ऐसी व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा करती हैं। कैमरामैन समित सैनी के साथ कुरुक्षेत्र से हरियाणा न्यूज के लिए भरत साबरी। तस्वीरें आप देख रहे हैं नारनौल और कैथल समेत तमाम जिलों के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं। यहां पर सुलभ शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन अगर सुलभ शौचालयों को गंदगी की भेंट ही चढ़ना था तो फिर ये सुलभ शौचालय बनाए क्यों गए। और अब वापस आते हैं अपनी खास खबर पर। जी हां, यहां पर बात हो रही है उन टॉयलेट्स की जो गंदगी की भेंट चढ़ गए हैं और स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये रियलिटी चेक किया है हरियाणा न्यूज की टीम ने, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे इसी पर। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। MD बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। किसानों के सपने जागे, हम हैं सबसे आगे आगे। हर देसी सोना मिले, घर घर खुशियां बरसे। नए भारत की शान है हम, किसानों का अभिमान है हम। भोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने नारनौल से लेकर कैथल तक उन सुलभ शौचालयों की तस्वीर देखी जिनकी हालत इतनी खराब है कि लोग उन सुलभ शौचालयों का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, उस तरफ शायद देखना भी पसंद ना करें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे है कौन, चूक किसकी तरफ से हुई है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छता अभियान को आप गंभीरता से लें, शासन प्रशासन के लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि स्वच्छता अभियान को लेकर पूरे देश में अभियान छिड़े हुए इतने साल हो गए और अभी तक टॉयलेट्स के ये हालात हैं और सुधार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो क्या प्रशासन की ओर से चूक हो रही है या कोई अन्य कारण है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सोना से सतीश जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सतीश, सबसे पहले बताएं सोना में किस तरह की तस्वीरें जब रियलिटी चेक करने आप निकले तो आपको देखने को मिली। लेकिन नंदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से सोना में नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और जो शौच मुक्त भारत करने की बात कही थी कि कोई भी खुले में शौच ना जाए, उसके लिए दर्जनों टॉयलेट यहां पे बनाए गए थे और लाखों रुपए भी इनके ऊपर खर्च किए गए थे। अगर बात की जाए फिलहाल इन टॉयलेट की कंडीशन क्या है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पूरी तरीके से ये जो टॉयलेट है गंदगी से अटे पड़े हुए हैं और लोग टॉयलेट में अंदर जाने के बजाय खुले में उनके साथ खड़े होकर यहाँ पे बाथरूम करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जो शौचालय है ये
सोहना पाव देवीलाल खेल स्टेडियम के पास है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर स्लोगन तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और महिला टॉयलेट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर ये टूटा फूटा हुआ पड़ा है और ऊपर इसमें जाले लगे हुए हैं, तो यानी कि बड़ी गंदगी इनके अंदर है। इसी तरीका से अगर हम बात करें कि इसके साथ में एक और भी टॉयलेट यहाँ पे बना है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक फ्रेम कथा टॉयलेट, तो देखेंगे आपके इन टॉयलेटों के अंदर भी उसी तरीके की गंदगी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कि मैं एक बार कैमरा मैन से कहूंगा कि थोड़ा दिखाएं किस तरीके की गंदगी यहाँ पे भरी हुई है, शायद आप देख भी ना पाए इन तस्वीरों को जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से आप देखेंगे कि टॉयलेट के बाहर स्वच्छ भारत अभियान जो है, कितनी गंदगी यहाँ पे पथरी हुई है। इसी तरीके से शहर में काफी टॉयलेट है। जी बिल्कुल सतीश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे इन तस्वीरों को आपने दिखाया, और वाकई जब ये लाइव तस्वीरें देखी तब बिल्कुल देख के कहा जा सकता है कि बदहाली का शिकार ये जो टॉयलेट्स हैं, सुलभ शौचालय हैं, वो हो रहे हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है टॉयलेट्स के आसपास। इन इलाकों में इतनी बदबू है, लोग आखिर कैसे जाएं? और आप खुले में शौच करने से रोकने के लिए लोगों के लिए टॉयलेट्स बनवाते हैं, लेकिन लोग जब इन टॉयलेट्स की ओर रुख करते हैं तो उन्हें इन गंदगी से भरी हुई तस्वीर जब देखने को मिलती है तो लोग वाकई यही कहते हैं कि स्वच्छता अभियान की इतनी बड़ी बड़ी बातें सरकार ने कर ली, लेकिन स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत क्या है वो आप जरा देखिए। और ऐसा ही कुछ रियलिटी चेक हरियाणा न्यूज की टीम ने भी किया, तो वाकई तस्वीरें चौंकाने वाली थी। और हमारे साथ सतीश राघव जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोना की तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार हरियाणा के कई जिलों का रियलिटी चेक हमने किया। सवाल ये खड़ा होता है कि चूक कहां होती है? अगर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि स्वच्छता अभियान को लेकर इतने काम किए जा रहे हैं, इतने फंड्स अलॉट किए जा रहे हैं, तो क्या चूक प्रशासनिक तौर पर हो रही है, क्या चूक प्रशासन के अंदर हो रही है? ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर की बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आई, एक बार बताएं। रमाकांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, रमाकांत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल आपको बता दें, झज्जर, कैथल, नारनौल, इन सभी जिलों के सुलभ शौचालयों का रियलिटी चेक किया है हरियाणा न्यूज की टीम ने। रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत, किस तरह की तस्वीर झज्जर में आपको देखने को मिली, बताएं। जब हमने आम दुकानदारों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर दोनों समय साफ सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो सुलभ शौचालय है वहाँ पर पूरी तरह से देख रेख की जाती है। और मैं कुछ दुकानदारों से आपकी बात भी कराया। नाम क्या है सर? ये सफाई यहाँ पर होती है हर रोज या नहीं होती है? हर रोज होती है यहाँ पर, हर रोज यहाँ पर, हर रोज होती है, दोनों समय होती है, दोनों समय होती है। और ये लोग भी यहाँ पर खुला होता है, यहाँ पर यहाँ के जो दुकानदार जो बताते हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों समय साफ सफाई होती है। साथ ही यहाँ के जो और शहरों के जो हालात है वहाँ पर उसका उलट है, यहाँ पर साफ सफाई दोनों समय होती है, लोग भी खुले हुए होते हैं। यहाँ के दुकानदार कहीं ना कहीं जैसे सुलभ शौचालय की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। जी नहीं, जी मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि और जो जिलों की तस्वीरें थी उनसे कुछ अलग हटकर झज्जर में देखने को मिला। चलिए अब सीधी तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं किसानों